यार ये प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में कर्टिजन्स के लाइफ के ऊपर है जिसमें उनके लव ऑर्बिटल को दिखाया हुआ है। हाय गाइस, मैं हूं कृष्ण और हीरा मंडी द डायमंड बाजार का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और इसमें ट्रेलर को देखकर तो यही पता लग रहा है कि भाई इसमें ना लीड में दो ही कैरेक्टर्स हैं जिसमें से एक है मनीषा कोरियाला का जो बनी है मलिका जान और दूसरा है सोनाक्षी सिन्हा का जो बनी है फरीदन। और भाई ये स्टोरी है पार्टीशन के टाइम की जिसमें हीरा मंडी यानी कि तवाइफों का बाजार जहां नवाबों को भी ना भाई इनके अंगूठों के नीचे रहना पड़ता था ये उसके ऊपर है। मतलब कि एक पीरियड ड्रामा है और इस सीरीज में ना भाई होने वाले हैं बहुत सारे एक्टर्स मतलब समझ रहे हो। और भाई इसमें जो डायलॉग्स है ना ये तो बहुत अल्टीमेट है और दूसरा इतने इम्पैक्टफुल है ना जिसकी कोई हद नहीं। मतलब ट्रेलर के अंदर भी ना दो या तीन डायलॉग्स हैं और वो इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने निभाए हुए ना और डायलॉग्स में इतनी जान है ना जिसकी कोई हद नहीं। मतलब हर एक डायलॉग ऐसा लगेगा कि अपने आप में एक इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा। जैसे कि एक डायलॉग है, एक बार मुजरे वाली नहीं मुल्क वाली बनकर सोचो। और यार इसमें लव एंगल, रोमांस और बिट्रेल जैसे इमोशंस देखने को मिलेंगे और आप देखोगे कि कैसे ये अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़े हो गए थे और इन्होंने क्या किया। मतलब इस एक स्टोरी के अंदर ना काफी सारी स्टोरीज जो है वो अपने आप ही घूम रही है। हर एक करेक्टर की अपनी कोई ना कोई स्टोरी है। बात करूँ इसके कास्ट की और करेक्टर्स की तो भाई मनीषा कोरेला एज मलिका जान, सोनाक्षी सिन्हा एज फरीदन, आदित्य राव हैदरी एज बिब्बो, संजीदा शेख एज वहीदा, शेखर सुमन एज नवाब जुल्फीकार, अध्ययन सुमन एज जोरावर, फरदीन खान एज वली मोहम्मद, रिचा चड्डा एज लाजो और फरीदा जलाल एज किचिया बेगम। अब बात करूँ इसके प्लेटफॉर्म और रिलीजिंग डेट की तो ये नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज होगी जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स होंगे और ये आपका 1 मई को रिलीज होगी। मतलब यार ओवरऑल ना ये काफी इंटेंस और इंट्रीगिंग होने वाली है। आप ट्रेलर देखोगे आप खुद समझ जाओगे इसमें ना हर एक चीज काफी क्लियर है कि ये कितना जानदार होगा या शानदार होगा और कितना इम्पैक्ट मतलब इसने आप इसके कैरेक्टर से एक दूसरे पे छोड़ रहे हैं। मतलब समझ रहे हो कि ना भाई ये चीज ही अलग बनाई है। अब देखना ये है जिस तरीके से इसके ट्रेलर को देख के लग रहा है क्या ये रिलीज होने के बाद भी उतना कुछ डिलीवर कर पाएगा, एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा या कहीं शायद उससे ऊपर ना निकल जाए। ऊपर निकल जाए तो भाई वेल एंड गुड है, बट भाई ट्रेलर को देख के ना मजा तो भाई बहुत आया। तुम देखोगे तुम्हें भी मजा आएगा। बस वेट है तो भाई 1 मई की जब ये रिलीज हो जाए। ठीक है, अब इस पे आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। बस जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।